भाई आपने मुझे इतना कमेंट किया कि लास्ट में मुझे ये वीडियो बनाना ही पड़ गया। वैसे मैंने सभी पार्ट्स पर आपको पूरी तरह से समझाया था, लेकिन मुझे नहीं पता आप लोग कैसे ये मिस कर देते हो हमेशा की तरह। देखो आपने क्या कमेंट किया कि भाई हम इस बैटरी को इस इन्वर्टर से चार्ज कैसे करें, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये साइन वेव इन्वर्टर है, लेकिन ये ओरिजिनल वाला इन्वर्टर की तरह ये काम नहीं करता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बैटरी से ये आउटपुट निकाल सकता है, लेकिन बैटरी को ये चार्ज नहीं कर सकता है। और आज मैंने इसी को देखते हुए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, और इस वीडियो पर मैं आपको बैटरी को चार्ज करना बताऊंगा, और इससे चार्ज नहीं होगा ये अभी मैं शुरू में ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मल्टीमीटर पर वोल्टेज आप देख सकते हो 12.3 वोल्ट बैटरी है, जबकि बैटरी फुल चार्ज होने पर कितना हो जाता है 14.4 भी बता देगा, या 12.40 भी बता देता है। तो यहाँ पर मैं 100 वाट का बल्ब को कनेक्ट किया हूँ, जिसे मैं आपको अभी टेस्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इन्वर्टर को स्टार्ट करते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे हम इसे स्टार्ट करते हैं तो वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होता है, और यहाँ पर इन्वर्टर भी बंद हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम इनपुट पावर है वो है 10 वोल्ट। अगर 10 वोल्ट से नीचे चलता है तो ये फॉल्ट पर बता देगा, और बैटरी जो है वो थोड़ी लो बताई जाएगी। अगर मैं फिर स्टार्ट करूँ तो आप वोल्टेज को यहाँ पर देखो, ये देखो 9 वोल्ट पर चला गया था, और 9 वोल्ट पर जाने के बाद क्या होता है, बैटरी जो है वो पूरी तरह से लो हो जाता है। तो अब इसे चार्ज कैसे करना है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, मैं आपको फुल स्टेप बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। मैं इसे आपको चार्ज करने का तरीका तो बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें कितना वोल्टेज और कितना एम्पियर का जरूरत पड़ता है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 12 वोल्ट और 7 एच की बैटरी है। अब आप लोग बोलोगे भाई जब ये 7 एच की बैटरी तो हम इस पर 7 एम्पियर का लोड दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारा बैटरी होता है इस पर देखो कितना वोल्टेज लिखा हुआ है, 4 वोल्ट और 1.5 एच की, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 1 एम्पियर का भी नहीं होता है, ये उससे भी कम होता है, क्योंकि आप इसकी लाइफ टाइम को चेक कर सकते हो लिथियम आयन बैटरी के मुकाबले। तो सेम उसी तरीके से हमें इसे कितना एम्पियर देना है, या हम इसे कितना 12 वोल्ट दे सकते हैं हल्का, या उस पर थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो पर क्लियर करके बताने वाला हूँ। देखो आप लोग क्या करते हो गलती, बैटरी तो ले लेते हो और चार्जिंग समझते हो 12 वोल्ट देना है, लेकिन एम्पियर आप लोग देखते नहीं हो। बैटरी की एम्पियर भी समझना होता है, उसके हिसाब से हमें बैटरी को चार्ज करना होता है। अगर हम वेरिएबल पावर सप्लाई यूज क्यों करते हैं, इसीलिए यूज करते हैं जिससे हमारी बैटरी जितनी वोल्टेज मांगती है उसके हिसाब से हम वोल्टेज को इस पर दे सके। तो यहाँ पर देखो साफ साफ कंपनी जो होती है वो लिख देती है कि इस पर हमें कितना करंट देना है, कितना इनपुट आउटपुट देना है, वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। देखो यहाँ पर क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन 14.2 माइनस 14.5 वोल्ट, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से होना चाहिए। समझ में नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ। जब आप वोल्टेज रेगुलेटर में तो डायरेक्ट जब बैटरी को चार्ज करते हो उस कंडीशन पर आपको 14 वोल्ट या तो 14.5 वोल्ट अप्रोक्स आपको देखने को मिल जाते हैं एडाप्टर या SMPS पर। उस कंडीशन पर हमारी जो बैटरी होती है उसे चार्ज करने का सही टेक्निक क्या है, 13.5 या तो 13.8 वोल्टेज मैक्सिमम है, और उतना भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर लास्ट आप 14 वोल्ट इनपुट दे सकते हो, जिससे बैटरी जो है वो परफेक्ट चार्ज हो जाएगी, क्योंकि 12 वोल्ट से एक्स्ट्रा चल ही जाता है हमेशा। और एम्पियर देखो, इनिशियल करंट आप इस पर कितना इनपुट मैक्सिमम दे सकते हो एम्पियर पर, देखो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है 1.4 एम्पियर मैक्सिमम। आप यहाँ पर टोटल सिर्फ और सिर्फ 1.5 एम्पियर का इनपुट दोगे तो ही आपकी ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। अब आपके पास अगर 1 एम्पियर का एडाप्टर नहीं है तो आप क्या करोगे, 2 एम्पियर का तो लगा सकते हो, 2 एम्पियर तक का लगाओ, बैटरी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। और अगर आपको जज करना है, पता करना है कि हमारी बैटरी के लिए कौन सा चार्जर बेस्ट होगा, तो उससे क्या करना, बैटरी को आप कनेक्ट करना और बैटरी को टच करना, अगर ये हल्का भी गर्म होता है समझ लो कि वो एम्पियर काफी ज्यादा दे रहा है या वोल्टेज काफी ज्यादा दे रहा है। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर एक होममेड चार्जर में लेकर आ चुका हूँ, होममेड तो नहीं बोलूंगा, ये है हमारे पास सेट टॉप बॉक्स का एडाप्टर है जो कि एयरटेल डिजिटल का ही है, और ये मेरे पास अवेलेबल था तो मैं सोचा क्यों ना इसी से ये वीडियो कंप्लीट किया जाए चार्जिंग के लिए। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर देखो 12 वोल्ट 2 एम्पियर, यानी कि यहाँ पर हमें टोटल 2 एम्पियर इससे देखने को मिल जाते हैं। अब मैं चाहूँ तो आपको SMPS से भी चार्ज करके दिखा सकता हूँ, ये बड़ी वाली SMPS है जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस वाले SMPS से भी मैं आपको चेक करके दिखा सकता हूँ चार्जिंग के लिए भी, लेकिन इससे आप चार्ज मत करना, इससे क्या होगा आपकी जो बैटरी है वो खराब होने की ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 12 वोल्ट और कितना एम्पियर है देख सकते हो, 15 एम्पियर इस पर अगर देते हो
तो ये पक्का 100% है कि ये खराब हो ही जाएगा। अब इसे चार्ज करने के लिए डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, बस आप दो काम कर सकते हो। अगर आपके एडाप्टर पर एलईडी लगा हुआ है तो एलईडी को खोल के आपको यहाँ पर क्या करना है, एक डायोड को यहाँ पर कनेक्ट करना है। अब जैसा कि ये कनेक्टर आप देख रहे हो, इस कनेक्टर पर आपको सिंपली एक डायोड लगाना है जो मेरे पास अवेलेबल है, देख सकते हो। ये डायोड हमारा 6 एम्पियर का है। अब आप बोलोगे भाई आप इस पर IN चार्जर 7 भी यूज कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए इसे यूज कर रहा हूँ कि हाई एम्पियर है तो थोड़ा अप डाउन तो हो जाता है, तो इसे हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है साथ में, और नेगेटिव को भी डायरेक्ट कनेक्ट करना है। और आपको मैक्सिमम इसे कितना देर चार्ज करना है, मेरे ख्याल से तो आप इसे 4 से 5 घंटे लगाओगे तो फुल ये बैटरी चार्ज हो जाएगा। अगर पूरी तरह से लो है तब, या तो नॉर्मली आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगा सकते हो। तो चलो इसे यहाँ पर कनेक्ट करते हैं और देखते हैं, इसे टेस्ट करके ये परफेक्ट काम करता भी है या नहीं। अब हमारा जो पूरा सेटअप है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी इसे हमें टेस्ट करना है कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अभी चार्जिंग लगाने से पहले वोल्टेज को आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ की जो वोल्टेज है वो है 12.3 के आसपास, जैसा कि आप मल्टीमीटर में देख भी पा रहे हो। अब मैं आपको इसे चार्ज करते हुए वोल्टेज को दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब दिखाता हूँ मैं इसकी वोल्टेज वो अभी कितनी आ रही है और पहले कितनी आ रही है। मैंने आपको दिखाया था 12.3 के आसपास वोल्टेज था, और आप देखते हैं ये देख सकते हो अभी भी वो उतना ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये बैटरी धीरे धीरे ये चार्ज होता चला जाएगा। मैं आपको उसे भी दिखाई देता हूँ, इसे मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। अभी देखो जो चार्जर का जो इनपुट आएगा वो कितना वोल्टेज है, वो देखो 12.7 है। लेकिन आपको पता है जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो बैटरी धीरे धीरे वोल्टेज जो है वो इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर इसे कनेक्ट करके छोड़ देते हैं, ये यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब ये चार्ज होता रहेगा तो मिलते हैं डायरेक्ट लगभग 3 से 4 घंटे बाद, और मैं आपको टेस्ट करने के लिए क्या करूंगा, इन्वर्टर से ही चेक करके दिखाऊंगा। अगर 100 वाट का बल्ब इजी से चल जाएगा तो समझ लेना कि ये काम करता है। और लगभग मैंने इसे 2 से 3 घंटे अप्रोक्स मैंने चार्ज किया है, और मल्टीमीटर को मैंने यहाँ पर हटाया भी, क्योंकि मल्टीमीटर काफी स्पेस ले रहा था, और उसे अगर लगातार चालू करें तो उसकी बैटरी लो भी हो जाती है। यहाँ से मल्टीमीटर को मैंने रिमूव कर दिया है, और आपको पता है 3 घंटे तक तो मैं कैमरे को स्टार्ट करके नहीं रख सकता हूँ। तो चलो गाइस अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं कि ये चार्ज भी हुआ है या नहीं हुआ है। नॉर्मली जब इसे चार्ज करोगे तो आप यहाँ पर कितना घंटे तक आप इसे चार्ज कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं इसे डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी बैटरी की वोल्टेज देखते हैं, सबसे पहले वोल्टेज हमारी कितनी आ रही है। अगर इस पर वोल्टेज थोड़ा सा बड़ा होगा, जैसे कि इस पर वोल्टेज कितना आ रहा था, 2.8 के आसपास आ रहा था, और अभी हम इसका वोल्टेज चेक करते हैं अभी इस पर कितना वोल्टेज आ रहा है। ये देखो अभी जो वोल्टेज है वो 12.37 के आसपास चल गया है, क्योंकि पहले बता रहा था 12.28 और अभी है 12.37, यानी कि कुछ तो बैटरी है जो चार्ज हुआ है। लेकिन मैंने सिर्फ 2 से 3 घंटे रखे हैं तो कितना बैकअप देगा वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं यहाँ पर टेस्ट करने के लिए 100 वाट का बल्ब भी ग्लो करने वाला हूँ, जैसा कि आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो यहाँ पर 100 वाट का बल्ब भी लगा हुआ है, इन्वर्टर भी साथ में कनेक्ट है। अब चलो इसकी जो वायरिंग है उसे हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं साथ पर इन्वर्टर के साथ, ये मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब चलो इसे स्टार्ट करके देखते हैं कि अब ये किस तरीके से काम करता है। इसकी जो वायर है वो लूज हो गई है, मैं इसे लगा लेता हूँ वापस से, ये आप देख सकते हो अभी मैंने इसे लगा दिया है। अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ ये काम करेगा या नहीं करेगा, चार्ज कितना हुआ है वो इसे पता चल जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था, जब हम इसे स्टार्ट करते थे तो बैटरी थोड़ी सी चलने देती थी, उसके बाद जो है ये लाइट बंद हो जाता था। अब चलो इसे स्टार्ट करके देखते हैं, उसके बाद ही हमें पता चलेगा ये चार्ज रियलिटी में हुआ भी है या नहीं। ये आप देख सकते हो, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो बल्ब है ये उससे तो थोड़ा सा ज्यादा जल रहा है। आप बोलोगे भाई 2 से 3 घंटे रखने के बाद भी ये चार्ज क्यों नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। 2 से 3 घंटे पर मुझे लगता है कि कम से कम 2 से 3 बार तो बिजली कटी हुई थी, जिससे ये बैटरी मैंने चार्ज नहीं कर पाया। लेकिन आप बोलोगे कि भाई इसका बैकअप दिखा दो, तो मैं आपको यहाँ पर बैकअप दिखाने के लिए क्या करता हूँ, आपको मल्टीमीटर के साथ मैं आपको चला करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो बैटरी वोल्टेज है वो है 12.34 के आसपास, और इसे जब स्टार्ट करते हैं तब कितना वोल्टेज बताएगा हमें। ये देखिए 9 वोल्ट के आसपास जाने के बाद ये बंद हो जा रहा है। अब यहाँ पर एलईडी को भी कनेक्ट कर देखते हैं, एलईडी पर आखिरी कितना वोल्टेज बता रहा है।
मैंने जितना चार्ज किया उसके हिसाब से एलईडी कम से कम 1 घंटा चलना चाहिए। अगर उससे भी कम चलता है तब हो सकता है कि ये चार्जर खराब होगा जिसकी वजह से ये चार्ज ना हो सके। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हो जब इसे चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज करने के बाद एलईडी के साथ यहाँ पर 9.72 के आसपास बैटरी जो है वो चार्ज है। और पहले क्या था वो आपको बैटरी तो शो करेगा हमेशा ही क्योंकि बैटरी थोड़ा चार्ज होने के बाद यहाँ पर परफेक्ट वोल्टेज नहीं बताता है, लेकिन जब आप इसे चार्ज कर लोगे तो यहाँ पर बैटरी जो है वो प्रॉपर बताने लग रही है। जैसे कि बैटरी कितनी चार्ज हुई है तो 9.68 के आसपास बैटरी फुल चार्ज है। फुल चार्ज होने के लिए आपको मैंने बोला था 5 से 6 घंटे, 7-8 घंटे भी लगा दोगे तो ये फुल चार्ज कर देगा। और 8.5 वोल्ट पर ये इन्वर्टर कट ऑफ करता है, 9 वोल्ट पर लास्ट है ये 100% कट ऑफ कर देता है, लेकिन यहाँ पर अभी 9.5 वोल्ट है तो यहाँ पर अच्छी तरह से ये काम कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से बैटरी को चार्ज कर सकते हो। मैक्सिमम आप 2 एम्पियर का इस बार इनपुट देना, 7 एम्पियर का है 7 एम्पियर मत लगाना, 2 एम्पियर लगाओगे तो ये बैटरी आपका परफेक्ट चार्ज हो जाएगा। बैकअप की बात करें तो बैकअप आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। तो वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक कर देना, आपके कमेंट पर वीडियोस को बनाई जाती है, और भी क्या वीडियो इस पर बनाना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन पर बता देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।